नमस्कार दोस्तों। धरती का मौसम बदल रहा है, ये हम सभी जानते हैं। ये अभी हमने कुछ ही इस महीने अपने भारतवर्ष के अंदर भी देखा कि जम्मू में कहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ रही है इस जून के महीने के अंदर, और वहाँ साइक्लोन बॉम्बे के अंदर। तो इसी पर आधारित एक मौसम के ऊपर, बदलते मौसम का जो एनवायरनमेंट का जो हमारा मौसम बदल रहा है, एक बहुत ही शानदार मूवी हवा बदले हंसू, चंदन रॉय सान्याल और प्रतीक मजुमदार एक इसी तरह की मूवी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम राइटर आप हैं इसके, तो क्या कह रहे हैं? ये कहानी जो है एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही उतने ही उलझे हुए एक ऑटो ड्राइवर की है। सुलझा वो इसीलिए हुआ है कि उसको सब ऐसा लगता है कि उसको सब पता है और वो सबको एडवाइस देता फिरता है। जैसे कितने बातूनी ऑटो वाले हमें दिखते हैं रोज़, और हम शायद उनको नज़रअंदाज करते हैं और करते हैं क्यों इतनी बातें कर रहा है, और उस बात में कुछ विजडम अगर होती है तो हमें भी वो छू के जाता है। तो एक वो उसका पहलू है। एक दूसरा पहलू है जो हम बता नहीं सकते, वो उसकी उलझन है और वही कहानी को आगे ले जाता है, और आपको ये वेब सीरीज़ है तो एक एक एपिसोड में आगे ले जाता है। तो ये आपको ओवरऑल प्रेमाइज पर्यावरण का है, बट कहानी ये इस ऑटो वाले की है। सर, मोदी जी भी काफ़ी जगह, जितनी भी हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं, अभी लास्ट वीक भी जो था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो आपको क्या लगा कि वेब सीरीज़ के जरिए इस मुद्दे को उठाना या इस मैसेज को पहुंचाना जो है, ये ठीक एक्चुअली ये रहेगा? मुद्दा हमने उठाया नहीं है, ये मुद्दा नेचर ने उठा दिया है हमारे लाइफ में। वो उथल पुथल वो लेकर आ चुकी है। हमने जो हज़ारों सालों से किया है उसका भुगतान अब हमें देना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे, और ये सीरीज़ में भी दिखेगा, एक डायलॉग है इनका कि पहले एक 10 सालों में एक एक आधा हरिकेन कहीं, एक आधा फॉरेस्ट फायर कहीं, साइक्लोन कहीं सुनने को मिलता है। अब एक एक साल में 10 मिल जाते हैं सुनने को। तो ये जो परिवर्तन है ये कैसे आया, और ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं आप जिनकी बात कर रहे हो, वो सारे वर्ल्ड लीडर्स इस बारे में अभी इस मुद्दे में बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज के पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इस साल, अगले साल COP25 है जो चिले में हो रहा है। तो ये बातें हर जगह हो रही हैं और ग्लोबली हो रही हैं, और हमें तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और हमें रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा इंडिया में और दिल्ली में जो सिचुएशन है वो और भी शहरों में ना हो, इस वजह से ये कॉन्वर्सेशन शुरू करना बहुत ज़रूरी है। चंदन जी, इस किरदार में किस तरह से आपने इसको निभाया है? क्या लगता है कि ये हवा जो है इस किरदार के कुछ बदलेगी? देखिए, आशा तो पूरी है कि ये करने के बाद पूरे शहर या पूरे देश की नहीं, लेकिन जो लोग देखें उनमें से कुछ लोग इससे सीख लें और अपने आसपास की हवा बदलने की कोशिश करें। ये हमारा इशू है, यही हमारा मतलब सोच है हमारी बनाने की। और हस्सू भी वैसे ही कैरेक्टर है जो उसके रिक्शा में रोज़ नए नए मुसाफिर आके बैठते हैं, उनको रोज़ नई नई बातें बताता है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं इतने अवेयर नहीं है, मतलब अभी उनको उतने। और जैसे अभी प्रतीक बता रहे थे कि हमारे देश में इतना जनसंख्या इतनी है, बहुत ज़रूरी है कि सब, ये बोलता है वन हीरो एट ए टाइम, अगर हर आदमी थोड़ा सा सजग हो जाएगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। विवेक जी, विवेक ओब्राई ने अभी मोदी जी का किरदार निभाया, आपने ये जो है मौसम के ऊपर ये किरदार निभाया, तो आपको क्या लगता है ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ हम अच्छे नेताओं के जो अच्छी चीज़ें हैं और जो एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, इनको निभाने से किरदार के जो करेक्टर है उस पर मतलब कुछ पॉजिटिव भी रहेगा उस पर? आप एज ए इंडिविजुअल कैसे देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को लेके बातें तो होनी चाहिए। इस हस्सू का कैरेक्टर भी वही है, एक आम इंसान है जो ऑटो रिक्शा चलाता है, और अगर आप किसी भी ऑटो रिक्शे या टैक्सी में बैठेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपको घूम के बताएगा कि पर्यावरण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उसको पैसा देंगे, आप निकल जाएंगे। तो ये वही है, एक किरदार ऐसा है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मंजिल पे छोड़ेगा भी, और आपकी शायद मंजिल भी बदल दे वो। चंदन जी, कुछ ये मैसेज इस तरह से निकले थे, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छता अभियान के ऊपर मैसेज निकले, तो लेकिन अब वो अवेयरनेस ऐसी हो चुकी है कि अगर कोई भी कागज़ भी सड़क पर फेंकता है तो दो बार सोचता है। तो ये आपका जो प्रयास है हवा बदले हंसू के जरिए, जो आप हवा बदलने का, ये एक सोशल मैसेज है, तो ये धीरे धीरे आपको लगता है इस शुरुआत के जरिए और भी लोग इसके लिए आगे आएंगे? नहीं, लेकिन आई थिंक जो स्वच्छता अभियान है उससे तो काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ा ही है। कैंपेन देश देश गांव गांव में पहुंचा है और लोग सोचने लगे हैं,
कि आसपास साफ रखना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी ना थूकें, कहीं भी पेशाब ना करें, पेड़ों का ध्यान रखें, पानी की बचत करें। चार पांच चीज़ें हैं जो अगर आप खुद करने लगें। लिनियरिटी की आप क्या बोलते हैं, अगर 2025 तक क्या हो जाएगा अगर आप हर आदमी करने लगे तो? क्लाइमेट चेंज रिवर्स हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज का जो इनफैक्ट ये 12 साल दिया गया है, 12 साल में अगर हम रिवर्स नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 12 साल में अगर हमने कर दिया तो काफ़ी सालों तक ये प्रॉब्लम हमारी ये हो जाएगी, तो सॉल्व हो जाएगी। तो अभी वैसे भी ये मौका हमारे ही हाथ में है, हमारी जनरेशन को ये मौका मिला है कि ये हम ट्रांजिशन कर सकें फ्रॉम अ पोल्यूटेड अर्थ टू अ नॉन पोल्यूटेड अर्थ। तो ये हर जगह ये अभियान है और हम एक छोटा सा हिस्सा हैं इस अभियान के, और ये हम बड़ा सा हिस्सा बनना चाहते हैं। और हवा बदले हंसू होप कि ये पहली कड़ी है और कड़ियाँ जुड़ती रहेंगी। तो आजकल का जो यूथ है वो वेब सीरीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इस यूथ को आप क्या दोनों ही के करके क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस मूवी को देखें और शायद आगे भी लोगों को बताएं कि इस मूवी के बारे में, तो प्लीज़ आप एक एक करके आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर ये आप देख रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो जैसे मैं अभी सुन रहा था प्रतीक वहाँ बैठ के बता रहे थे कि बचपन में हम आम के बागानों में जाते थे, आम के बागानों से खेतों के बीच, जब मैं स्कूल जाता था कि हम रिज रोड से जाते थे मंदिर मार्ग, तो जंगलों के बीच में से होते हुए जाते थे, और वो जंगल रहेंगे नहीं, आज के बच्चे तो वीडियो गेम में फंसे रहते हैं। तो मुझे लगता है अपने फ़ोन से थोड़ा निकलें, टीवी से निकलें और देखें बाहर जो है, हमारा जो नेचर है बहुत सुंदर है, तो नेचर को प्यार करें, पौधे लगाएं, पानी की बचत करें, मानसून का मज़ा लेंगे तभी। सर मैं आपकी बात को ज्वाइन करते हुए कहूँगा कि मैं भी जब छोटा था दिल्ली में तो कई बार हाथी जंगली आ जाया करते थे, और तो ऐसा कुछ देखने को बचपन में हम जब जाते थे घर पे, तो हमारे घर पे काबुली वाला आता था शॉल बेचने, फिर हाथी पे आदमी महावत आता था जिसको हम टीका लगाते थे, फिर गाय आती थी उसको टीका लगाते थे, फिर हम लोग हमारे घर पे कांच के बोतल में दूध आता था, दिल्ली मिल्स के में कॉइन डाल के दूध लेते थे। वो दिन से सब चले गए ना, तो अब 25 साल में सब बदल गया ये। तो हमको अभी आगे के जो आने वाली नस्लें, आगे के लिए जो आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए हमको बचाना पड़ेगा। जी मैं यही कहूँगा कि चंदन ने सही कहा कि एक्चुअली आजकल के बच्चे वीडियो गेम में लगे रहते हैं, लेकिन वही वाला मीडियम ज़रा हमारा वेब सीरीज़ देखने के लिए यूज़ कीजिए आप, और थोड़ा सा और भी जागरूक